रूस की अमेरिका को धमकी, पूरी दुनिया को भुगतने होंगे इसके परिणाम। पश्चिमी देशों का रवैया तबाही जैसा है, प्रतिबंध पूरी तरह से असफल रहे हैं। ये रूस की धमकी है अमेरिका को। इस वक्त हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, प्रतिबंध पूरी तरह से असफल रहे, पूरी दुनिया को इसके परिणाम भुगतने होंगे, नतीजे भुगतने होंगे, ये कहा जा रहा है। और इस वक्त बड़ी खबर, रूस की अमेरिका को धमकी, रूस ने दो टुक कह दिया है, प्रतिबंध पूरी तरह से असफल रहे हैं, पूरी दुनिया को इसके परिणाम, इसके नतीजे भुगतने होंगे, ये रूस ने चेतावनी दी है। पश्चिमी देशों के बहाने वो दुनिया को भी आगाह कर रहे हैं कि अगर किसी ने दखल दिया, किसी ने हस्तक्षेप किया, तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। नाम जिक्र भले ही अमेरिका का, पश्चिमी देशों का आ रहा हो, लेकिन इस बीच दुनिया को भी वो कह रहे हैं कि इसके परिणाम भुगतने होंगे। यानी कोई पश्चिमी देशों के प्रभाव में मौजूदा वक्त में आता है तो खुली चेतावनी रूस की तरफ से उनको। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध 22 दिनों से जारी है। पश्चिमी देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं। इन सब के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है। पुतिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयान पर कड़ी चेतावनी दी है। पुतिन ने कहा है कि पश्चिमी देशों की दुनिया पर वर्चस्व कायम करने की महत्वाकांक्षा के चलते पूरी दुनिया को इसके नतीजे भुगतने होंगे। साथ ही पुतिन ने यूक्रेन में सैन्य अभियान को पूरी तरह सफल बताया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की धरती को रूस के खिलाफ फौजों का जमावड़ा नहीं बनने देंगे। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों का रवैया तबाही जैसा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों के प्रतिबंध पूरी तरह से विफल रहे हैं। और इस बीच राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन पर हमले को 9/11 जैसा हमला करार दिया है। उनका साफ कहना है कि यूरोप में 80 सालों में ऐसा आतंक नहीं देखा गया है। उन्होंने रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की मांग दोहराई है। साथ ही अमेरिका से एयरक्राफ्ट और एंटी एयरक्राफ्ट हथियार की मांग भी की है। तो ज़ेलेंस्की अगर अभी भी पश्चिमी देशों को अपने करीब महसूस करते हैं तो जाहिर सी बात है कि युद्ध नहीं रुक पाएगा। शर्तें मानना, पश्चिमी देशों के प्रभाव में रहना, ये दोनों समानांतर कैसे संभव है? अगर दोनों ही देश अगर युद्ध रोकने के संकेत दे रहे हैं तो फिर ये विरोधाभास है दोनों ही बातों में। अगर ज़ेलेंस्की एक तरफ कह रहे हैं कि बातचीत सफल है, बातचीत के जरिए हम समाधान निकालें, और दूसरी तरफ वो एंटी एयरक्राफ्ट मांग रहे हैं अमेरिका से। Пані та панове, друзі, американці, в своїй величній історії ви маєте сторінки, які дозволяють вам зрозуміти українців, зрозуміти нас зараз, коли це потрібно, саме зараз потрібно найбільше. और अब आपको बताते हैं कि ज़ेलेंस्की ने क्या कहा है। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन पर हमले को 9/11 के तरीके का बताया है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि 80 सालों में ऐसा आतंक किसी ने नहीं देखा। उन्होंने रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की मांग भी की है, साथ ही एयरक्राफ्ट, एंटी एयरक्राफ्ट हथियार भी मांगे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में बड़ी खबर यह है कि 7,000 रूसी सैनिकों की मौत का दावा किया जा रहा है। 14,000 से ज्यादा रूसी सैनिक घायल हो चुके हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से यह खबर मिल रही है। जहां 7,000, जो आंकड़ा अभी कल तक 13,500 था, वो आज उससे भी ज्यादा बढ़ चुका है। और इस बीच हम रूसी सैनिकों के मारे जाने की खबर बता रहे हैं। अलग अलग जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, युद्ध की स्थिति को कवर करने वाली जो रिपोर्ट्स हैं, उसके मुताबिक ये आंकड़ा अलग अलग है। इस बीच यूक्रेन का दावा अलग है। तो 14,000 से ज्यादा रूसी सैनिक घायल हो चुके हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम तबाही की वो तस्वीर दिखा रहे हैं जहां आप देखिए कई दिनों से रूसी हमलों का सामना कर रहा है यूक्रेन, रूस के सामने डटकर खड़ा है। लेकिन रूस ने यूक्रेन में जो तबाही मचाई है वो बेहद खतरनाक है। रूस ने वहां की इमारतों और सैन्य ठिकानों को बर्बाद कर दिया है पूरी तरीके से। फौज मौजूद है और अंदर शहर में बमबारी के शोले आम लोगों को झुलसा रहे हैं। किव में 15 मंजिला अपार्टमेंट पर जब रूस की एयर स्ट्राइक हुई, उसके बाद का मंजर देखिए।
यहां करीब में एक मिलिट्री फैक्ट्री को भी टारगेट किया गया। रूस की आर्टिलरी यहां पर खूब बरसी। रूस ने ड्रोन से हमलों की तादाद भी बढ़ा दी है। इस जंग ने यूक्रेन का बहुत नुकसान किया है और अब यहाँ की तस्वीरें देखकर कीव की तुलना सीरिया के अलेप्पो या फिर हमास शहर से भी की जा रही है। Единой тактической, армейской и беспилотной авиации поражены 136 военных объектов Украины, в том числе 7 пунктов управления и узлов связи, 4 зенитных ракетных комплекса, 3 реактивные установки залпового огня, 4 радиолокационных станции разведки, подсветки целей и наведение зенитно-ракетного комплекса С-300, 1 станция РЭП, 4 склада боеприпасов и 72 места скопления боевой техники. रूस के हवाई हमलों के आगे यूक्रेन की टक्कर कमजोर पड़ रही है और यही बात जेलेंस्की को बहुत ज्यादा खल रही है। जेलेंस्की ने कनाडा से अपील की है कि वह यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बनाए ताकि रूस की एयरफोर्स पर काबू पाया जा सके। नो फ्लाई जोन का मतलब है कि यूक्रेन के ऊपर नेटो एयर डिफेंस का ऐसा कवर जिसमें रूसी लड़ाकू विमान और उसके ड्रोन काम नहीं कर पाए। लेकिन ये ऐसा कदम होगा जो युद्ध का दायरा यूक्रेन से बढ़ाकर यूरोप में और अंदर तक पहुंचा देगा। Уявіть, що о 4-й ранку ви, кожен з вас, чуєте вибухи, страшні вибухи. Джастіно, уяви, що ти їх чуєш, і чують твої діти, і чують ракетні удари по аеропорту, просто уяви, аеропорту Отави. По десяткам інших місць по всій території вашої прекрасної країни. Canadians and Ukrainians are friends, and they have been for a long time. तो युद्ध का आज 22वां दिन हो चला है, लेकिन भयानक युद्ध लगातार अब भी जारी है। उस बीच एक बड़ी खबर जो निकल कर सामने आ रही है खार्किव के इलाके से, जहां पर खार्किव के इलाके में रूसी सेना ने एक स्कूल पर अटैक किया है। वहां पर स्कूल को निशाना बनाया गया है रूस की सेना की ओर से, क्योंकि खार्किव की खेरसोन तमाम क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र, जहां पर लगातार निशाना साध रहा है कई बैलिस्टिक मिसाइल से और कई बार बमबारी और गोलीबारी वहां पर की गई। लेकिन इस बीच बड़ी खबर खार्किव के रूस से, जहां पर रूस खार्किव में बमबारी की गई है और स्कूल पर निशाना साधा गया है। तस्वीरें भी आप देख लीजिए, स्कूल है, स्कूल की इमारत है जिस पर निशाना साधा गया है, और खार्किव का ये इलाका है जिस जहां पर इस स्कूल को निशाना वहां पर साधा गया है। बमबारी यहां पर लगातार की गई है, हमले यहां पर किए गए जिसकी वजह से इमारत को भारी नुकसान भी पहुंचा है। खार्किव पर इससे पहले भी लगातार कई कोशिशें कर चुकी है रूसी सेना कब्जा करने की, और अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो इमारत हम आपको दिखा रहे हैं और जो मलबा यहाँ पर गिरा हुआ है, ये खार्किव में एक स्कूल का है जहां पर बड़ा हमला बमबारी यहां पर की गई। स्कूल की इमारत आप इस वक्त देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, और खार्किव का ये इलाका है, देखिए किस तरीके से भीषण तबाही लगातार जारी है। और जंग का आज 22वां दिन हो चला है, लेकिन अब भी बात नहीं बन पाई है। रणनीतिक रूप से बहुत बार कोशिश की गई कि कुछ बात बने, लेकिन अब भी देखिए लगातार वही तबाही हर बार देखने को मिल रही है। और खार्किव के क्षेत्र से स्कूल की तस्वीर जहां पर बमबारी की गई है रूस की सेना की ओर से। यूक्रेन के मारियापोल शहर में रूसी सेना ने भीषण बमबारी की है जिसमें कई लोगों की मौत हो चुकी है। आरोप लगाया गया है कि रूस अब वहां के आम लोगों को भी टारगेट कर रहा है, निशाना बना रहा है। और अपने आरोपों को सच साबित करने के लिए उसने कुछ तस्वीरें भी जारी की, जिनमें एक तस्वीर में साफ देखा कि वहां के एक स्विमिंग पूल के पास एक के बाद एक कई बम धमाके हुए, जिसके बाद वो इलाका बमों की आवाज से थर्रा उठा। इसके बाद तबाही की ऐसी निशानियां बिखरी मिली कि देखने वालों की रूह कांप जाए। बमबारी की वजह से वहां शवों का ढेर लग गया, इनमें कई बच्चे और महिलाएं भी थी जो अपनी जान बचाने के लिए स्विमिंग पूल की इमारत में छिपी थी। हालांकि इस हमले में जिन लोगों को चोटें आईं उनका इलाज भी शुरू कर दिया गया। इसी तरह का हमला वहां के एक थिएटर पर भी किया गया जिसमें कई लोगों की मौत की खबर है। बताया गया कि जिस थिएटर पर हमला हुआ वहां करीब 1000 लोग हवाई हमलों से जान बचाने के लिए छिपे थे। यूक्रेन के खार्किव में जारी बमबारी की वजह से खाने पीने की चीजों से भरा एक गोदाम तबाह हो चुका है। बताया गया कि उस गोदाम से जरूरतमंदों तक खाने का सामान पहुंचाया जा रहा था।
लेकिन रूसी बमबारी की वजह से सब कुछ तबाह हो गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें बमबारी के बाद वहां से आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी। इसके तुरंत बाद राहत और बचाव दल के लोगों ने मोर्चा संभाल लिया और गोदाम में लगी आग को बुझाने में जुट गए। उन्होंने लगातार पानी की बौछार की जिससे आग तो काबू में आ गई, लेकिन उससे उठने वाले धुएं की वजह से वहां पर थोड़ी देर के लिए अंधेरा छा गया। अब हालात पूरी तरह से काबू में आ गए तो बचाव दल के लोगों ने वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया ताकि कोई मलबे में फंसा हो तो उसकी मदद की जाए। रूसी हमले में सिर्फ गोदाम ही नहीं बल्कि आसपास की कई दूसरी इमारतों को भी काफी नुकसान पहुंचा।